शासन और स्थानीय प्रशासन को नगर निकायों के साथ मिलकर के बड़ी सफलता प्राप्त होती भी गई। आज प्रदेश कोविड प्रबंधन से लेकर के कूड़ा प्रबंधन का देश के अंदर मॉडल बना हुआ है और इसीलिए स्वच्छता की रैंकिंग जब आती है तो उसमें उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा जैसे शहरों की गिनती होती है कि ये शहर भी प्रदेश नहीं अब अच्छे हैं, स्वच्छ है। अन्यथा जब 2017 में स्वच्छता की रैंकिंग आई थी तो 17 के पहले देश के सबसे गंदे शहरों में देश के उत्तर प्रदेश के शहर आए थे और उसमें सबसे गंदा शहर गोंडा भी उत्तर प्रदेश
स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख स्ट्रीट वेंडर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यानी आज स्मार्ट होते हुए शहर और स्मार्ट होते हुए सुविधा, स्मार्ट होता हुआ युवा, प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्ट गवर्नमेंट पैकेज बनाने का कार्य वर्तमान में चलता है। ये सभी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की कहानी को कहता है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हमें तब सफलता प्राप्त हो रही है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और विभक्तों का सौभाग्य है कि आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनका नेतृत्व आप सबको प्राप्त हो रहा है और आज उसका परिणाम है लखनऊ के अंदर पहले शहीद पथ का निर्माण सभी अटल जी के समय में माननीय राजनाथ सिंह जी ने करवाया था। आज किसान पथ का निर्माण लखनऊ की बाहरी रिंग रोड के रूप में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी और लखनऊ को जाम से मुक्त करने के एक नए अभियान का हिस्सा है। तो लखनऊ के अंदर अभी उन्हीं के मार्गदर्शन में टंडन नीलम नगर विकास मंत्री थे, उस समय हम लोगों ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज उसका शिलान्यास प्रस्तावित था, लेकिन मैंने इस बात को कहा कि ग्रीन कॉरिडोर हो या फिर लखनऊ की नई आवासीय सुविधा का कार्य, या सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सदे डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणास्थली का कार्यक्रम जब हो तभी होना चाहिए जब रक्षा मंत्री जी यहाँ उपस्थित रहेंगे, उन्हीं के सामने कार्यक्रम होंगे। इसलिए आज हम लोगों ने उसको नहीं दिया, लेकिन बहुत शीघ्र एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम देंगे। इन कार्यक्रमों को एक भव्य आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के जाम की समस्या से सर्वथा मुक्ति करने का लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक अभिनव प्रयास आगे बढ़ा है। लखनऊ एक ऐसी सिटी है जिसने प्रदेश के अंदर पहला बॉन्ड जारी किया था और आवासीय योजना में बॉन्ड जारी होकर के मैं स्वयं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड हम लोगों ने जारी कराया था। ये किसी भी नगर निकाय के लिए बहुत प्रतिष्ठा की बात होती है कि वह अपना बॉन्ड जारी करे और उसके माध्यम से जो तक पैसा आता है उसे आवासीय योजना के साथ जोड़ करके फिर नगर निकाय उसके माध्यम से अपनी इनकम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। भैया बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उसको उसके गौरव के अनुसार स्थान देने, उसको आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसी में हम बहुत शीघ्र लखनऊ को एक इंटरनेशनल